बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. बायणा येथील 24 वर्षीय नवाब शेख टीव्हीवरील रियालिटी शो सूर नवा ध्यास नवा मध्ये मेगा फायनल राऊंड मध्ये पोहोचला आहे. मराठी भाषिक नसतानाही त्यांनी मराठी गायन कार्यक्रमाच्या महाअंतिम फेरीत प्रवेश केल्यानं परीक्षकांकडून त्याला मोठी दाद मिळत आहे. पाहूया त्याच्या प्रवासाची ही एक झलक. कर देना सीने में प्यार भर देना, आ जाना मेरी बाहों में और मेरे दिल में ही रहना. ये गोये ये मैना पिंजरा बनाया सोने का, सोने का, सोने का, सोने का. ओंकार गणपति अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति सुरपति लीन निरंतर हो, लीन निरंतर हो. सूर निरागस हो. नवाब खूप छान गायला तुम्ही. तुमचं ना एकंदरीतच गाण्यात समरस होऊन ते पेश करणं हे फार आवडतं मला. नमस्कार, मेरा नाम नवाब शेख है और बेसिकली मैं गोवा से ही हूँ, वास्को डा गामा से हूँ, बायना में रहता हूँ. और आज बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मराठी रियलिटी शो सूर नवा ध्यास नवा इस शो के मैं ग्रैंड फिनाले में पहुँचा हूँ और आप सभी की दुआ से इतना आज मुकाम हासिल किया है. ये वही ट्रॉफी है जहाँ पर मैं टॉप 16 में सिलेक्ट हुआ था और आज मैं अपने घर आया हूँ ये सेलिब्रेट करने के लिए कि मैं ग्रैंड फिनाले में पहुँचा हूँ आज. सब गुरु की कृपा है, उन्होंने मुझे मराठी कैसे उच्चारण उसका मतलब कैसे शब्द उच्चारण कैसे करना है वो उन्होंने मुझे सिखाया है. क्लैरिफिकेशन सिखाते हैं और हर शब्द का मुझे मतलब बताते हैं, हर मराठी सेंटेंस का मुझे वो मीनिंग समझाते हैं और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से गाना है, ये हमेशा मुझे वो समझाते हैं. कितना मुश्किल रहा ये सफर जब आपसे चालू किया, जहाँ से आप रियलिटी शो तक पहुँचे, कैसा रहा आपका सफर? एक्चुअली स्टार्टिंग में मेरी एक फ्रेंड थी, जब मुझे पता नहीं था कि सूर्य नवा ध्यास नवा का ऑडिशन ऑलरेडी आ चुका है, करिश्मा चारी, उसने मुझे बताया कि वुड पे ऑनलाइन ऑडिशंस आ रहे हैं 3 दिन के लिए. तब 3 गाने मुझे भेजने थे बट मेरे पास उतने मराठी गाने नहीं थे तो मैंने 1 गाना गाकर भेजा था. मेरे गुरु की हेल्प से मैंने वो गाना बिठाया था, फिर मैंने वो वीडियो वहाँ पर भेज दिया था. कुछ दिनों बाद मुझे कॉल आया कि मेरा सिलेक्शन हुआ है और मुझे थाने में ऑडिशन देने के लिए जाना है. उसके बाद थाने ऑडिशन के लिए गया तो वहाँ पर अजीत दादा और मिथिलेश दादा ये दोनों जज थे, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया टॉप 50 के लिए. उसके बाद मेरा मेगा ऑडिशन हुआ, वहाँ पर मैंने प्रथम तुला वंदित हो गाया. उसके बाद मेरा टॉप 16 में भी सिलेक्शन हुआ. ऐसे करके मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा थ्रू आउट सूर्य नवा ध्यास नवा के सीज़न में. ये सूर्य नवा ध्यास नवा का सीज़न 5 है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा. जजिस से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे, गोवा के लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है. उसी के साथ साथ महाराष्ट्र के भी लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ आज ग्रैंड फिनाले में पहुंचा हूं ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है. और सब ये सब जो हुआ है बेसिकली मेरे गुरु के वजह से ही हुआ है और मेरे पापा हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा मुझे फ्रीडम दी है कि म्यूजिक में मैं जो कुछ भी कर सकता हूं मैं फ्री हूं करने. तुम्ही कुठलेही काव्य जे सांगत असताना ते खूप पट्ट, खात्रीनी पट्ट. तुम्ही जेव्हा म्हणत होता आणि मी मुद्दाम डोळे मिटून ऐकायचा प्रयत्न करत होतो, का तर तुमची देहबोली मला माझ्यावरती हवी होत नाही आहे ना, पण तुम्ही देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे जेव्हा म्हणत होतं तर मला वाटतं खरंच रे माझ्या देवाला माझी काळजी. कैसा था यहाँ पे माहौल जब आप वहाँ पर? बायणा के तो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हुए और बहुत ज्यादा प्राउड भी फील कर रहे हैं कि इतने मतलब यहाँ का लड़का इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गया और वहाँ पर इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, सभी का नाम रोशन कर रहा है, गोवा का भी नाम आगे ला रहा है. तो काफ़ी ज़्यादा सभी खुश हुए और अभी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं. और भूगो खरा मुझे चिकाटी है सर, तो हार्ड वर्किंग कड़े क्या कॉम्प्रोमाइज़ के ना हमें रच्चे दोन दोन जाएसर सुधा म्यूजिका डिस्कशन चालू आता जन्ना लोक राहत जता शेड्यूल सुरू जाता खरे
केन्ना निजेची पर्वा केली ना आणि खास करून त्याच्या डॅडीन त्याला खूप सपोर्ट केला. ज्यांना ज्यांना गोयात काही कॉम्पिटिशन जाताली नी तर स्वतः टू व्हीलरान बी रातचं घेऊन वतालो फिरतालो टू व्हीलरान बी घेऊन वचप रातचे देडांक दोनांक बी यो कॉम्पिटिशनाच्या असे पेरंट्सांचो सपोर्ट. आणि खरं म्हणजे त्याला अंजुमन हिमाचल हायस्कुलातले जे टीचर प्रायमरी टीचर आणि त्याला खूप सपोर्ट केलो लहान असताना. आणि मग ज्ञानेश सांगावकर म्हणून एक टीचर आशिल्लो अंजुमन हिमाचल हायस्कुलातलो तो ताका लहान असताना 5वी 6वी असताना माझ्या घरा घेऊन आयलो आणि हा म्युझिक बाबा शिकवपाचे असा आणि थंच्यान त्याची जर्नी सुरू झाली आणि तो खूप हार्ड वर्क करतो. मेरे लड़के को मैंने बचपन से सिंगिंग का से शौक था मैंने उसको पूरा सपोर्ट किया. आज वो एक लाइन पे गया फिर इसमें बम्बई में सूर्य नवाज रास नवाज ने अपना ऑडिशन दिया मैं भी गया तो दोनों मिलकर वहाँ सिलेक्शन हो गया उसका. बाद में उसका ये सर थोड़ा सपोर्ट बहुत सपोर्ट किए मस्तर सर उन्होंने उसको हर ट्रेनिंग में हर वक्त में उसको सपोर्ट करके उसका एकदम परफेक्ट बना दिया.